हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हम आपको करा रहे हैं चैप्टर 10 सेकेंड बुक का, ये चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है और इसमें हम आपको बहुत सी चीज़ें करा चुके हैं। अब इसके जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो हम आपको करा रहे हैं, जिसका एक एथिल ब्रोमाइड करा चुके हैं। अब दूसरा टॉपिक है क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमेथेन। ये ट्राइक्लोरोमेथेन है, इसको बनाते कैसे है और इसको किस प्रकार बनाएंगे और इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या क्या है, इसके क्या उपयोग है दैनिक जीवन में, मनुष्य में क्या क्या काम करता है, किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, पहले इसको बनाना सीखेंगे। बनाने की विधियां, पहले प्रयोगशाला विधि नंबर एक, क्लोरोफॉर्म को एथिल एल्कोहल में ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलाकर गर्म कर दे तो हमें प्राप्त होता है एसिटल डिहाइड। जैसे कि पहला टॉपिक है एथिल अल्कोहल, पहले तीन स्टेपों में यह क्रिया होगी पूरी, जैसे CH3CH2OH एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल में क्या मिलाएं, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर है। इसके साथ हम जब इसको गर्म करते हैं, हीट गर्म करते हैं, तो इसका एक हाइड्रोजन ये और एक ये, दो हाइड्रोजन मिलकर इस ऑक्सीजन से क्रिया कर जाते हैं और जल बना देते हैं। तो सबसे पहले बनता है आपका जल H2O। अब यहाँ पर शेष क्या बचा, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। शेष क्या रह गया है, CH3CHO, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन चला गया है, तो इसका ये बनेगा ये CH3CHO, ये बन गया एसीटल डिहाइड। ये एसीटल डिहाइड बनाने की विधि भी है, और ये था ब्लीचिंग पाउडर। अब ये एस्टर डिहाइड बन गया, अब एस्टर डिहाइड को पुनः फिर दोबारा ब्लीचिंग पाउडर के साथ ही गर्म करेंगे, तो एस्टर डिहाइड का फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस CaOCl2। इसके साथ पुनः गर्म करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के साथ। जब हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करेंगे तो ये क्लोरल बन जाएगा। क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO, यानी कि इन तीन हाइड्रोजन की जगह हमें क्या लगाना है, क्लोरीन। क्लोरीन परमाणु लगाने, क्लोराइड परमाणु जब लग जाएंगे तो ये क्लोरल बन जाएगा। अब यहाँ पर तीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक है, तो इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। जब तीन हाइड्रोजन से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो हम इन हाइड्रोजन को क्या करें, ओपन कर लें। पहले ओपन करके बताते हैं कैसे, ये हाइड्रोजन तीन लगे हुए हैं और ये हाइड्रोजन क्रैक हो गए। ये जब हाइड्रोजन क्रैक हो गए तो यहां पर तीन बॉन्ड हो गए, और ये तीन हाइड्रोजन किसी काम के नहीं है, तो इसके आगे हम दो का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दो बढ़ाने से ये दो हाइड्रोजन, ये दो, ये चार, दो ये मिलाकर छह हो गए टोटल, और यहां पर कितने, छह ही क्लोरीन चाहिए, तो इसलिए हम छह का मल्टीप्लाई करते हैं और छह ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो जाते हैं। ये याद रखना है कि यहां पर हमें इतने चाहिए कि ये OH बना ले छह बार, तो यहां पर छह हाइड्रोजन ये टूट गए और ये इनमें से तीन छह क्लोरीन निकल कर लग जाएंगे यहां पर CCl3 और दो का मल्टीप्लाई, तीन दूनी छह, यहां से छह क्लोराइड निकलकर अलग हो गए, और इससे पहले से क्या जुड़ा है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये बन जाएगा क्लोरल, इसका नाम है क्लोरल, ये क्लोरल बन गया। अब छह हाइड्रोजन और छह ऑक्सीजन मिलकर एक बुझे हुए चूने का निर्माण करेंगे। यहां कैल्शियम कितने हैं, छह, तो इससे तीन ले लें, 3Ca, और इसका बुझे हुए चूने का निर्माण कर दें। देख लीजिए, जो यहाँ के दो चार छह हाइड्रोजन और छह ऑक्सीजन, जब छह हाइड्रोजन और छह ऑक्सीजन होंगे, छह हाइड्रोजन और छह ऑक्सीजन होंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3H2। तो यहाँ पर तीन दूनी छह ऑक्सीजन और छह हाइड्रोजन है, वो कैल्शियम क्लोराइड के साथ चले गए।
अब क्लोरीन कितने थे, दो तिया छह है, कितने छह दूनी बारह, तो यहां पर छह में से तीन सी ए सी एल टू निकल जाएंगे, सी ए सी एल टू, ये बन गया आपका कैल्शियम क्लोराइड, आपको क्लोरल प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, क्लोरल से कैसे क्लोरोफॉर्म बनेगी। नंबर थर्ड, सी सी एल थ्री सी एच ओ, इसको अगर यहां से बॉन्ड तोड़कर एक हाइड्रोजन चिपका दे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगी, क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन की कमी है, सी एच सी एल थ्री बनाना, इस एल्डिहाइड ग्रुप को हटा दे और एक हाइड्रोजन जोड़ दे तो ये क्लोरोफॉर्म बन जाएगी। तो हमें कुछ ऐसा कंपाउंड लेना है जो हाइड्रोजन को इसे दे दे, तो जो इसमें ही डाला था और जो इससे ही प्राप्त हुआ था वो था क्या, बुझा हुआ चूना, तो इसमें हम इसे ही डाल देंगे, तो ये प्लस सी ए ओ एच का होल ट्वाइस, ऐसे ओपन करके लिखते हैं। अब ये ओ एच हाइड्रोजन चाहिए हमें एक, केवल एक, लेकिन ये है कितनी बार कैल्शियम ऑक्साइड में, दो बार, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दो बार हाइड्रोजन है, तो इसे हम क्लोरोफॉर्म को भी, क्लोरल को भी हम दो बार लिख लेंगे। ये लीजिए, ये बॉन्ड क्रैश हो गए, और इसे भी थोड़ा ओपन करके दिखाते हैं, तो यहां पर ये बॉन्ड ये क्रैश हो गए, ये टूट गए बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के पास पहुंचेगा और ये हाइड्रोजन इस क्लोरल के पास पहुंचेगा, तो बन जाएगा CHCl3, क्लोरोफॉर्म बनकर तैयार हो गई। प्लस यहां पर अब क्या बचा है कि कैल्शियम CA, क्या बचा है, कैल्शियम के पास दो ऑक्सीजन है, वो भी ओपन, ऐसे दो ऑक्सीजन है, और इससे कौन जुड़ने जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप, तो ओ सी एच ओ एच सी ओ एच सी ओ एच सी, ये बन जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट, इसका नाम है कैल्शियम, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, और ये बन गया आपका क्लोरो फॉर्म। यह है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, इसे हम कहते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रयोगशाला विधि है, और इंडस्ट्रियल में अगर हम इसको औद्योगिक विधि में बताना चाहे तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण कर दें, जब तृतीयक एल्किल हैलाइड यानी कि मेथेन का जब हम क्लोरीनीकरण करेंगे, जब तृतीयक एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा 3 डिग्री, तो उसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। अब हम इसकी प्रयोगशाला विधि बताते हैं बनाने की, इसको रब किए देते हैं, इसको नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सही से सीखें, एक एक बिंदु को हमने ऐसे बताया है जैसे बच्चों को बताया जा रहा हो, अब इसकी जगह पर हम प्रयोगशाला की जगह पर लिखेंगे औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि, विधि इसमें होता है क्लोरी मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, मेथेन का क्लोरीनीकरण कराना है, तो मेथेन का जब क्लोरीनीकरण कराएंगे तो कैसे कराएंगे, अभी आपको बताते हैं, मेथेन का क्लोरीनीकरण जैसे CH4 क्लोरीन से अभिक्रिया कराएं, Cl2 सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य प्रकाश, तो ये बनेगा CH1SCl बाहर निकल जाएगा और बनेगा CH3Cl, मेथिल क्लोराइड 1 डिग्री मेथिल क्लोराइड हो गया, दोबारा मेथिल क्लोराइड का क्लोरीनीकरण कराएंगे, तो फिर क्लोरीन से अभिक्रिया करा दो, तो फिर एक हाइड्रोजन, जब तक हाइड्रोजन टूटते रहे तब तक बन जाएगा मेथिलीन डाइक्लोराइड, और एक HCl फिर पुनः वापस, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, एक हाइड्रोजन फिर टूट गया, अब दो हाइड्रोजन बचे हैं, तो यहाँ पर CH2Cl2 का पुनः हम क्लोरीनीकरण करा दें,
तो एक हाइड्रोजन ये और इसका एक क्लोरीन निकल कर क्या बनाएगा, CHCl3, जो बचा हुआ क्लोराइड परमाणु होता वो इसी से जुड़ जाता है, तो CHCl3 HCl बाहर, ये लीजिए क्लोरोफॉर्म बन गया, क्लोरोफॉर्म, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये। ये क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोग औद्योगिक विधि है, प्रयोगशाला विधि तो ब्लीचिंग पाउडर से होती है। इसे हम एसीटोन से भी बना सकते हैं, एस्टर डीआई डाल देंगे तो एसीटोन से भी बन जाता है, लेकिन एक दो विधियाँ यही याद रखना है। तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। अब इसके हम बताते हैं गुण, क्लोरोफॉर्म बनाने के गुण। तो हम आपको बता रहे थे क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं। गुण से पहले हमें इसकी विधि के बारे में, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि या औद्योगिक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तो सचित्र वर्णन के लिए आपको ये चित्र बनाना होगा। जैसे ये चित्र के लिए इसकी भाषा भी लिखनी होगी, हेडिंग डालेंगे विधि, और विधि के लिए उसके बाद में इसमें हमें लैंग्वेज लिखनी होगी क्या, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं जिसमें लगभग ताज़ा 200 ग्राम, कितने ग्राम, 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर और 500 ग्राम एथिल अल्कोहल या एसीटोन, 200 ग्राम एथिल अल्कोहल या एसीटोन लेकर जब इसको बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म की बाष्प बनती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्लोरोफॉर्म की बाष्प बनती है जो एक ठंडे एरिया से, यानी ठंडे बहते हुए ठंडे जल में द्रवित होकर और एक गोल फ्लास्क में एकत्र कर ली जाती है। ये इतनी भाषा लिखने पर आपकी विधि कंप्लीट हो जाएगी। आपको बताने में छोटी लग रही होगी, लेकिन जब आप पेपर में लिखेंगे तो काफ़ी लाइनें बन जाएंगी इस बात की, और क्लोरोफॉर्म आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसके बताते हैं क्लोरोफॉर्म के गुण। ये बनाने की विधियाँ हो गई थी, अब इसके लिखेंगे हम गुण। क्या लिखेंगे, के गुण। अब लीजिए गुण हो गए, गुण में क्या करेंगे, पहली होते दो प्रकार के गुण होते हैं, पहले भौतिक गुण, नंबर वन, ऐसे ही पॉइंटों में आप लिखना, अगर गुण पूछे जाते हैं भौतिक या रासायनिक गुण तो पॉइंटों में ही लिखना है। नंबर वन, यह एक रंगहीन द्रव है। कुल मिलाकर ज़्यादातर कार्बनिक यौगिकों के जो भौतिक गुण होते हैं वो एक समान होते हैं, परंतु किसी किसी के बहुत ही भिन्न हो जाते हैं, द्रव है, जैसा कि अभी हम बता रहे हैं। इसमें क्वथनांक गलनांक सबका अलग होता है, इसका क्वथनांक, क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बदल गया, उसका 39 था, इसमें 61 हो गया, 35.4 था और इसका 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नंबर तीन, इसमें ईथर जैसी गंध आती है, कैसी गंध आती है, ईथर जैसी गंध आती है, बच्चा लोग समझ गए, ईथर जैसी गंध आती है। अगला पॉइंट, कार्बनिक विलायकों की एक खासियत होती है वो जल में विलय नहीं होते हैं, जल में विलय नहीं होते, बहुत कम ऐसे कार्बनिक विलायक होते हैं जो जल में विलय हो जाते हैं, लेकिन ये जल में विलय नहीं होते, यह जल में अविलय परंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होता है, विलय होता है। अगला पॉइंट, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे सूंघने पर निश्चेतना का मतलब होता है बेहोशी, आ जाती है,
और इसका उपयोग शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है। अब ये इसके भौतिक गुण हो गए, यह एक रंगहीन द्रव है, इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसमें ईथर जैसी गंध आती है, यह जल में अभिलय परंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होता है, इसे सूंघने पर निश्चेतना आ जाती है। जब किसी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है उससे पहले बेहोश करना पड़ता है तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है, और ईथर वाले इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं जो पीठ पीछे रीढ़ पर लगा देते हैं, उसके बाद में क्या होता है आपको बेहोशी आने लगती है और उसके बाद में जो डॉक्टर का काम होता है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑपरेशन के समय ये करना पड़ता है, या कोई हैवी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो भी ऐसा काम किया जाता है। नार्को टेस्ट वगैरह में भी आयर क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब इनके हम रासायनिक गुण बताएंगे। रासायनिक गुण, ये तो भौतिक गुण हो गए, अब रासायनिक गुण इसको हम ड्रॉप किए देते हैं। रासायनिक गुण में अभिक्रियाएं करनी होती हैं और यह चित्र ऐसा ही बना है जितना हमने आपको साफ सुथरा करके बनाया है। याद रखें चित्र में कोई ज़्यादा भेद नहीं होते हैं, बस चित्र आपको बनाना है। तो रासायनिक गुण नंबर दो हेडिंग होगी रासायनिक गुण। सबसे पहली अभिक्रिया ऑक्सीकरण। अगर क्लोरोफॉर्म के या अगर क्लोरोफॉर्म को वायु की उपस्थिति में रख दें तो वो बहुत जल्दी ऑक्सीकृत होकर एक जहरीली गैस फॉस्जीन बनाती है। जैसे CHCl3 को हम वायु की उपस्थिति में रख दें तो यह अभिक्रिया होती है तेजी से तीव्र गति से, तो यह फॉस्जीन बनाती है और जल पृथक हो जाता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, दो, तो यहाँ पर हमें निकालना होगा क्या C2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, HCl बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करें और ये H यहाँ से Cl लेकर चले जाएंगे 2, तो टू एच सी एल बाहर हो जाएगा और ऑक्सीजन इसी स्थान पर आ जाएगी, तो COCl2 को फॉस्जीन विषैली गैस है ये फॉस्जीन। अब देख लीजिए पूरा हो गया होगा, 2 कार्बन है मिले, ऑक्सीजन 2 है, इस ऑक्सीजन के कारण ही यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा था, 2HCl निकल गए और ये फॉस्जीन गैस बन गई। अब बताते अपचयन नंबर दो है भाई रासायनिक गुण का अपचयन। अपचयन तो आप जानते ही हैं कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन है लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे क्लोरोफॉर्म को जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में वायु की उपस्थिति में रखते हैं तो फॉस्जीन गैस बनती है और HCl पृथक हो जाता है। अपचयन करेंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 को हम अपचयन करेंगे जिंक और थोड़े से जल की उपस्थिति में, इतने हमें अपचयन करना है कि यह Cl पृथक हो जाए, इसके स्थान पर क्या आ जाए, तो अपचयन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं H2, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दें, कितने का 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 हाइड्रोजन ये हो गए 3 × 6, तो 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन के साथ चले जाएंगे तो 3HCl बनेगा और यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन शेष बचे हुए यहीं लग जाएगा और मेथेन का निर्माण होगा CH4 मेथेन। जब हम क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक और जल की उपस्थिति में कराते हैं तो मेथेन गैस प्राप्त होती है और HCl पृथक हो जाता है। अब इसके बाद में हम कराएंगे इसकी अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, 3 KOH से अभिक्रिया, KOH से अभिक्रिया कराएं, CHCl3 प्लस KOH। अब KOH से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा एक नया उत्पाद जी, देख लीजिए यहाँ पर कितने क्लोरीन है, कितने हैं 3 और यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं 4। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा 4 का, क्योंकि यहाँ 3 है तो कमर्शियल का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3KOH बन जाएगा और ये 3 बार OH से कोई ऐसा फंक्शन नहीं बनेगा जिसमें हम इसको इसमें ऐड कर दें। जैसे यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर 3KCl ये बाहर हो जाए,
तो 3KCl। OH कितनी बार है? ये चार बार है। OH को चार बार लिखिए, OH 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 OH। ये OH कितने आप जल बना देंगे? दो। ऑक्सीजन कितने बचे? दो। तो यहाँ पर इसमें चार बार OH से जल निकल जाएगा, तो बनेगा 2H2O। अभी हम इसको ओपन करके भी बताएंगे। अब बचा है CH और KOO, तो यहाँ पर बनेगा HC। ये HC बचा है और ये दो ऑक्सीजन इन चार हाइड्रोक्सिल से प्राप्त हुए, तो COOK, तो बनता है पोटेशियम फॉर्मेट। अगर ये बात ऐसे नहीं समझ में आई तो इसको हम ओपन करके लिखते हैं। कैसे लिखें देखिए, CHCl3। KOH को चार बार लिखिए, मल्टीप्लाई ना करके चार बार लिखें। एक यहां पर लिख देते हैं, ज्यादा नीचे ना जाएं। तो ये 3Cl ये KOH के साथ चले गए और ये दो जल बन गए, एक ये और एक ये, दो जल बन गए। अब KOO बचा है, KOO, ये देखो KOO, यहाँ पर क्या बचा है? CH, यही पोटेशियम फार्मेट बना है। देख लीजिए, एक जल ये एक जल ये, वो दो जल लिखे हुए हैं और 3KCl निकल गया है और CHCOOK बना है। तो ये CHCOOK बना, पोटेशियम फार्मेट बनता है। अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम एसीटोन के साथ, इसको रख दिए देते हैं। नंबर चार, एसीटोन से अभिक्रिया। एसीटोन का फार्मूला CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। क्लोरोफॉर्म लिखें, CHCl3। एसीटोन में क्या होता है? ये क्लोरीटोन बना देगा। अब इसको हम क्लोरोफॉर्म को ऐसे कर लें, CH। अब ये क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ है, इसके अब बॉन्ड एक क्रेश होगा ये, और यहाँ पर ये टूट जाएगा बंद। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ कार्बन है, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है, यहाँ कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये माइनस का हो जाएगा। उल्टे जोड़ देते हैं, जैसा लिखा है वैसा ही मुजस्मा इधर जोड़ दीजिए, बिल्कुल क्लोरीटोन आपका बनकर तैयार हो जाएगा। एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। ये OH हो जाएगा और CH3 यहाँ लगा था और ये CCl3, इसे कहते हैं क्लोरीटोन। अब एक और है, पांचवी अभिक्रिया, कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कार्बिल अमीन अभिक्रिया, एमीन अभी क्रिया, कार्बिल अमीन अभिक्रिया को हमें क्या करेंगे कि हम इसको एसीटोन के साथ में नहीं, कार्बिल अमीन में हम हाइड्रोजन के साथ गर्म करेंगे। क्लोरोफॉर्म को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन के साथ में गर्म कर लेंगे। तो यहां पर इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। नंबर पांच, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये आइसोसाइनाइड बनाती है। जैसे CHCl3 प्लस हम गर्म करेंगे KOH प्लस हम आगे और ले लेंगे क्या चीज, एनिलीन के साथ गर्म करेंगे। तो सबसे पहली बात है, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एनिलीन के साथ गर्म करते हैं तो हमें फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर कितने Cl हैं, तो Cl की पूरी संख्या हमें बनानी है, तो Cl पूरे निकालने होंगे, तो Cl की पूरी संख्या है तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करिए, ये क्या निकल जाएगा KCl, क्या निकल जाएगा 3KCl, 3KCl निकल जाएगा। और 3KCl के बाद में OH हमें निकालने हैं, तो हमें एक कार्बन चाहिए,
तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, टोटल कितने हुए दो, और तीन ऑक्सीजन ये हैं। तीन ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए हमें हाइड्रोजन की संख्या टोटल चाहिए होगी छः, तो यहाँ पर दो ये और दो हाइड्रोजन, एक है तीन ये, कितने हो गए पाँच और एक छः, हो गया पूरा काम। देख लीजिए टोटल करिए, एक हाइड्रोजन ये और तीन ये, चार, चार और दो छः, छः हाइड्रोजन इस तीन ऑक्सीजन को तोड़ सकते हैं, तो ये बन जाएगा ये सब टोटल मिलाकर जल। देख लीजिए फिर एक बार, एक हाइड्रोजन ये, तीन ये, चार और दो छः, छः हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन को तोड़ सकते हैं, तो बनेगा 3H2O। शेष क्या बचा, बस शेष पर आपको ध्यान रखना है कि एक बचा है फेनिल नाइट्राइड और उसके साथ में C, तो ये बनेगा फेनिल आइसोसाइनाइड C6H5N, पहले से था और यहाँ से C आएगा, तो ये आइसोसाइनाइड, ये बनेगा फेनिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, इसे कहते हैं कार्बिल अमीन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट बचती है आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं रीमर टीमैन अभिक्रिया। कार्बिल अमीन के बाद में अभिक्रिया होगी रीमन टीमैन अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये कार्बिल अमीन और रीमर टीमैन अभिक्रिया। क्लोरीटोन भी बहुत बार पूछा गया है, चाहे तो आप अपने अनसॉल्व पेपर उठाएं और उनमें देख लें कि क्लोरीटोन कितनी बार पूछा गया है। लीजिए अगला नंबर तो हम भूल गए, पर नंबर लिख देते हैं, ऐसे ही है रीमैन, रीमैन, रीमर होता है, टीमैन अभिक्रिया, अभिक्रिया, इसमें हमें बनाना है सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड OH और CHO, ये प्रोडक्ट बनाना रीमर टीमर कहलाता है, वो भी क्लोरोफार्म में डालकर, फिनोल को क्लोरोफार्म और कास्टिक सोडा के साथ गर्म करेंगे, तो ये प्रोडक्ट हमें बनाकर तैयार करना ही रीमर टीमर अभिक्रिया कहलाती है। प्रोडक्ट बनाएंगे तो सीधे सीधे चलेंगे, सबसे पहले फिनोल बनाइए, फिनोल पर क्या लगाइए OH, फिनोल में OH लगाओ तो फिर क्लोरोफार्म लिखें CHCl3, फिर क्या बनाएंगे हम NaOH कास्टिक सोडा, अभिक्रिया को कराएंगे। अभिक्रिया दो तीन पदों में पूर्ण होगी, कम से कम तीन पदों में पूर्ण होगी, तो यहाँ पर हम कराएंगे क्या, अब यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये यहाँ से इस तरफ से, क्योंकि हमें बनाना है सैलिसिल्डिहाइड, एक ऊपर OH होना चाहिए और नीचे ऑर्थो पर लगाना चाहिए एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप लाने के लिए हमें एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि CH है, O की कमी है, O तो आगे ले लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम इतने हाइड्रोजन डालेंगे कि इस वाटर के साथ में क्रिया कर ले, तो यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई करें, दो का मल्टीप्लाई ना करके दो बार ओपन लिखें आप भी, तो दो बार ओपन लिखने पर इसको गर्म करें। अब देखिए ये दो हाइड्रोजन टूटेंगे, इस फिनोल को जब तक आप बिगाड़ेंगे नहीं तो रीमर टीमर अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे, तो ये दो हाइड्रोजन ये टूट गए और ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर टोटल क्या बनाया जल, तो -2H2O बन गया। एक सोडियम ने एक क्लोरीन से क्रिया की और बन गया -NaCl, यानी कि ये पृथक हो गया, जब ये NaCl बन गया अब बचा क्या, सोडियम भागता हुआ पहुंचेगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ये धन आयन है और यहाँ पर धन आयन पहले से बना, तो ये ऋण आयन इधर पहुंचेगा, तो ऊपर हो जाएगा एक नया कंपाउंड, ये लग जाएगा Na, सोडियम लग जाएगा, और इस स्थान पर जो बचा हुआ CHCl2 है ये लग जाएगा, तो इसका नाम होता है ऑर्थोमेथिलीन डाइक्लोराइड सोडियम फिनोक्साइड, इसका नाम है ऑर्थोमेथिलीन डाई
क्लोराइड, सोडियम फेनोक्साइड, सोडियम फेनोक्साइड, ये बन गया। अब इसकी पुनः क्रिया कराएंगे, कुछ हमें ऐसा डालें कि ये दोनों क्लोरीन टूटकर ओ आ जाए, कुछ ऐसा इसमें प्रोडक्ट डालो कि ये दोनों सीएल चले जाएं और ओ आ जाए। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं जल, क्या डाल देंगे, जल। तो जल से एच ओ एच को हम जल कहते हैं। अब ये दो क्लोरीन हाइड्रोजन से क्रिया कर जाएंगे और बनेगा एच सी एल, माइनस का टू एच सी एल ये निकल गया और ये ओ यहीं लग जाएगा। अब बन गया ये सोडियम सैलिसिलडिहाइड, सोडियम सैलिसिलडिहाइड एन ए, और ये ओ यहीं कार्बन से लग जाएगा तो सी एच ओ। ये बना है सोडियम सैलिसिलडिहाइड, ये सोडियम सैलिसिलडिहाइड बन गया। अब सोडियम सैलिसिलडिहाइड को सिर्फ हमें क्या करना है, इस एने को हटाना है, कोई ऐसा कंपाउंड डाल दो एने हट जाए और आपका सैलिसिलडिहाइड बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे एक एच सी एल, क्या डाल देंगे एच सी एल, जो यहां बना था वही डाल दिया दोबारा। तो ये सोडियम यहां से टूट जाएगा और सी एल के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा एन ए सी एल, बचा क्या एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वहीं चिपक जाएगा और आपका बनकर तैयार हो जाएगा सैलिसिलडिहाइड, सैलिसिलडिहाइड। इसे कहते हैं रिमल्टीमेंट अभिक्रिया। ये इतनी आसान होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लगता है ऐसा कि थोड़ी सी टप पड़ती है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कभी नहीं आप भूलेंगे, जैसा हमने आपको समझाया वैसे ही करके चले तो कभी भी बनाना नहीं भूलेंगे, सोडियम सैलिसिलडिहाइड। अब आ जाते हैं क्लोरोफॉर्म के उपयोग, वो हम जनरली आपको बता देते हैं, जैसे बसार, नंबर वन अगर आपको बनाना है तो ऐसे लिखेंगे बसार, रेजिन, अगोंद और आदि विलायकों के रूप में, और कई कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में, निश्चेतना के रूप में, प्रयोगशाला की शल्य चिकित्सा के रूप में यानी बेहोशी के रूप में, इन्हें आप लिख सकते हैं उपयोग में। और ये आपका टॉपिक हो गया पूरा क्लोरोफॉर्म। अब आपका नया टॉपिक है आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म बनाने की विधियाँ बताएंगे। आइडोफॉर्म के रासायनिक और भौतिक गुण एक समान होते हैं, बिल्कुल आपको बनाने की सिर्फ हम विधि बता देंगे और रासायनिक गुण को नहीं बताएंगे, रासायनिक गुण होते ही नहीं है इसके, क्योंकि इसके आइडोफॉर्म के रासायनिक गुण क्लोरोफॉर्म के बिल्कुल समान होते हैं।